दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रीतपाल बेलचंदन दुर्ग केंद्रीय जेल से जमानत पर रिहा होने पर उनके सैकड़ों समर्थकों ने किया स्वागत। दुर्ग जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रीतपाल बेलचंदन शनिवार को देर शाम दुर्ग सेंट्रल जेल से रिहा हो गए, जिसके जमानत का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा कल ही दे दिया गया था और पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद देर शाम उनको जेल से रिहा भी कर दिया गया। इसके बाद उनसे मिलने वाले उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा और ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी प्रदेश में चारों तरफ भय एवं भर्राशाही का माहौल चल रहा है, उसको कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में जनता देख रही है और उसका जवाब देगी। और रही चुनाव की बात करने वाले, चुनाव में भाजपा मजबूती से लड़ेगी और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जरूर हटाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि श्री बेलचंदन पर दुर्ग जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद पर रहते हुए करोड़ों रुपए का आरोप लगा हुआ था, जिसमें अंतरिम राहत देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें जमानत दे दी और आज पूरी कागजी कार्रवाई होने के बाद उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। नहीं तो देखिए, किसान, सहकारिता और न्यायालय तीनों के आशीर्वाद से और बिना अनुकंपा के जो संभव नहीं था वो संभव हो चुका। बाकी रह के बाद हमारी अंतिम लड़ाई, इस सरकार ने जो किसानों का मातृ संस्था है सेवा सहकारी समिति, और इस संस्था को तीनों जिले के हमारे सहकारिता के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सत्यानाश हो चुका था, बिल्कुल नीलाम के कगार में थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 15 साल के संघर्ष में जो इन संस्थाओं का आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत किए थे, इन संस्थाओं का 4 महीना और ये 10 महीना में सत्यानाश कर दिया है भूपेश बघेल। जो पूर्वजों की बात कहते हैं और पूर्वजों के संस्था का सत्यानाश किए हैं, और हम न किसी भी स्तर पर डरने वाले नहीं हैं इनके आतंक से, और किसानों के लिए अंतिम समय तक जो सहकारिता इनकी अपनी संस्था है उस संस्था के मजबूतीकरण के लिए संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क है और भारतीय जनता पार्टी का जो उच्च स्तरीय हमारे नेता हैं उनकी जो निर्णय होगी वो सर्वमान्य रहेगी। और सब मिलाकर अभी लक्ष्य है ये आतंकवादी जो सरकार है भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ियाओं के नाम पर राजनीति कर रही है, पुरखाओं के नाम पर, इनको पदच्युत करना प्रथम उत्तरदायित्व बनती है हम लोगों की। और किसानों का बार बार कह के, किसानों की जो मातृ संस्था है, बच्चा कभी माँ के थन को नहीं काटता, लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस हमारी मातृ संस्था जो 1963-62 से पूर्वजों ने स्थापित किया है उसका सत्यानाश 4 साल में कर दिया है। ये लड़ाई अब जारी रहेगी। क्या यहाँ पर जो खड़े हैं उसमें कोई दूसरे प्रदेश के नहीं है, सब छत्तीसगढ़िया हैं और सब हाई कोर्ट में इतनी याचिका लगाए हैं कि छत्तीसगढ़िया को प्रताड़ित किए, जिसके परिणाम हाई कोर्ट में हम लोगों को बार बार जाना पड़ा। आगामी विधानसभा में हमारे तीनों जिला जो बैंक के जिले हैं, जिसमें किसानों के लिए हम लोगों ने काम किए हैं और किसानों को ये विश्वास है कि हम लोग इसको जन जागरण और आगे बात करके किसानों को, जो फर्जी तरीके से भूपेश बघेल सिर्फ धान भारत सरकार के पैसे पर राजनीति कर रही है, इसकी तमाशा अब किसान लोग ही निकालेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।